नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से, यूएई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, यूएई ने भाई ग्रीन, एक ग्रीन लिस्ट, ग्रीन कंट्रीज मान सकते हैं। ग्रीन का मतलब होता है ग्राफ वहां पे बहुत कम है कोरोना का, उन लोगों को अपने देश में एंट्री दी जा सकती है नॉर्मल तरीके से, जैसे एक मान लीजिए कि कोरोना था ही नहीं, इस तरह से। जी हाँ, आसान भाषा में इसको समझा जाए तो, जी हाँ, इसका मतलब ये हो गया लगभग 15 से 16 कंट्रीज ऐसी थी उनको यूएई ने अथोराइज किया हुआ था, ग्रीन कंट्रीज की लिस्ट में डाला हुआ था। भाई इन कंट्री के लोग हमारे देश में आ सकते हैं, उनको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी आपको पता है सबको ऑप्शन दिया जाता है 10 दिन क्वारंटाइन रहना है वगैरह वगैरह, आप सबको पता ही होगा। जी हाँ, लेकिन यूएई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बता दूं, दो कंट्रीज को और ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है। जी हाँ, ओमान और कतर दोनों को ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। कतर के बारे में बात आपको सबको बताइए, भाई अभी अभी इनका समझौता हुआ है गल्फ कंट्रीज, सऊदी का, कुवैत का, दुबई का, सबने शिकवा गिला शिकवा बुला के नए साल में दोस्ती की शुरुआत कर दी है कतर से रिलेटेड। तो कतर को और ओमान को दोनों देशों को ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है। अब यहाँ के लोग, अगर आप भी चाहे कोई भी लोग, यहाँ के लोग अगर आप दुबई जाते हैं तो क्वारंटाइन का झंझट नहीं रहेगा। डिटेल से हम बात करेंगे और कौन सी कंट्रीज हैं जिनका क्वारंटाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज यूएई से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 14 कंट्रीज का और भी हम जिक्र करना चाहेंगे कि जिनको यूएई ने पहले से छूट दे रखी थी सेल्फ क्वारंटाइन की, उनको जरूरत अभी नहीं है। बस कंडीशन अभी यही है, जो 16 कंट्रीज टोटल हुई है उनमें 96 आवर्स पहले का आपके पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। एयरपोर्ट पे आपका दोबारा एक बार टेस्ट होगा, उसके बाद सेल्फ यानी एक दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, जब तक आपको अपने घर में रहना होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रुनेई की बात करें, ब्रुनेई को कंट्रीज में डाला हुआ था। उसके बाद चाइना, ठीक है, हांगकांग, आइल ऑफ मैन, ये कंट्रीज का नाम है भाई, आपने तो कभी नहीं सुना होगा लेकिन जी हाँ ये कंट्रीज का नाम है। उसके बाद कुवैत, मकाऊ, मॉरिशस, मंगोलिया, न्यू कैनेडोनिया, ये भी एक कंट्री का नाम है भाई, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, साओ टेमे और प्रिंसिपे, ये भी एक कंट्रीज का नाम है अफ्रीका। जी हाँ साथियों, सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है ताइपी, यानी ताइवान, ताइपी का जो कैपिटल है ताइवान, वो भी एक ग्रीन कंट्रीज में इनको डाल दिया गया है। थाईलैंड, जी हाँ साथियों, थाईलैंड को भी ग्रीन कंट्रीज में डाला गया है। सेंट किट्स निवान, ये भी एक कंट्रीज का नाम है। बस ये लगभग 16-17 कंट्रीज थी, इन ये ग्रीन लिस्ट में थी। ओमान को, कतर को भी इसमें डाल दिया है, बाकी इंडिया का नंबर भी भाई मार्च तक उम्मीद है आ जाएगा जल्दी, जिसमें आपको झंझट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।